देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जनपद शामली में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आजम खान का विरोध जताते हुए पुतला फूंक कर गुस्से का इजहार किया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आजम खान का चुनाव रद्द कर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी आजम खान ने 3 दिन पूर्व भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा पर विवादित बयान दे दिया था, जिसके विरोध में शामली के विजय चौक पर हिंदू मंच की दर्जनों महिला कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी आजम खान का पुतला फूंक कर कड़ी निंदा की। हिंदू मंच की महिलाओं ने कहा कि सपा प्रत्याशी आजम खान अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगा रहे हैं और उन्हें महिलाओं का अपमान करने का कोई हक नहीं है। इस दौरान हिंदू मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी का पुतला फूंक कर सपा प्रत्याशी के चुनाव रद्द कर सपा प्रत्याशी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अच्छा, जो आज ये पुतला फूंका, क्या पूरा मामला? ये आजम खान जी ने महिलाओं के बारे में इतना गलत शब्द बोले हैं कि महिलाएं उनके जूते मार मार के उनकी इतनी बुरी हालत कर दें कि वो मुंह दिखाने लायक ना, और महिलाओं के सम्मान में इतनी गुस्ताखी कर रही है, वो सम्मान के लायक ही नहीं है। उन्होंने जयपर्दा को नहीं, उन्होंने सारी महिलाओं के लिए गलत बोला है, इसलिए उनका आज हमने पुतला फूंका और जूते मार मार के उनकी बुरी हालत कर।